चूसी के थे था यार। ओ मैं तो यार राज दरबार में था, लेकिन आप किधर थे यार? मैं तो महल में था यार। महल में? आप कुछ हाल चाल बताओ राज दरबार के। राज दरबार का हाल चाल? यार राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़, उल्टी गंगा बह रही है यार। देखिए राज दरबार का हाल चाल बहुत गड़बड़ है, उल्टी गंगा बहला। देखो अधिकार यार बड़े बेटे का होना चाहिए, लेकिन सेनापति के कहने से राजमाता ने छोटे बेटे को राज सिंहासन पर बैठा दिया, उनका राज तिलक कर दिया, बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दिया। ये बड़े बेटे का और अधिकार पहुंचे बड़े बेटे को होते ही कहे बना दे। हमें ही तो समझ नहीं आओ यार, बड़काए का ना बनाए छोटे कहे बना दे। बड़काए के अंदर है कमी। कमी कौन कमी है यार? बड़कावा है सुस्त। देखो एक बात और समझ लो, तुम तो रियासत की बात कर रहे हो। हाँ रियासत के बात छोड़ो, एका ध्यान में दियो, जब महाराज रहे हैं तो प्रिया बड़े बेटवा को होते ही पहले छोटे बेटवा छोड़ो होते ही नहीं होते ही बड़का है भाई। महाराज छोटे बेटवा के ब्याह कहीं ओके मेहरारू आएगा, ओके लड़का हो गया, के सारे का मेहरारू देखे रोजी नहीं बा रणवे घूम रहा। हमका लागत ये सार मेहरारू लाए के हाई नहीं, हम मेहरारू लाए के हाई नहीं। हाँ यार हमका लागत ये सार सुस्त है यार, लेकिन 24 घंटा तुम उनके साथ के रहा थो। हाँ मान लो कोनो कमी हो तो तुमसे तो बताओ फिर करो। हाँ यार हमसे बताओ के सारे के इलाज कराए तो डॉक्टर दिखाई, लेकिन ये सार हम से नहीं बताए यार, यही के साथ के रहा था यार, जानो हमारो कुछ कमी हो तो तुम्हारे अंदर कमी हुई। हाँ यार उनका शंका हो रही यार, काम तुम्हारे मेहरारू आ रही हमसे अंडमंड कर रहे हो, समझ में नहीं आओ दवाई कराओ नहीं तुम्हें तो मेहरारू का मन कर देखे लोग। पता नहीं तुम हमारे देखे तो क्यों हम तुम्हारे, अरे जब तुम्हारे अंदर कमी है तो तुम देखिए होगा। लेकिन एक बात है, ये बात हजम नहीं होगी क्योंकि बड़े बेटे को राजा बनना चाहिए, छोटे बेटे को राजा राजमाता ने बना दिया सेनापति के कहने से। खौरियान बहुत जोर हुई, खौरियान और लग जाओ गेट पर आने वाले हैं, आते हैं तो दो दिन में अंदर आसमान होगा पक्का बताइए। तुम्हें साथ राज तुम उनके साथ बताइए तो हमें तुमसे दोनों बात तुमसे छुपाते रहे। वही तरह के बात बताओ, सब बात नहीं बता हुआ। हाँ। आज सुमेरन से निकल गया हुआ है, हमको बताए नहीं बताए हमको हुआ है बताओ, जहाँ मामला फसत है। हाँ। और जहाँ फसत नहीं श्राण श्राण निकल गया हुआ है, हुआ नहीं बताओ। फिर आवे आवे वाले हैं, देखो लग जाओ खुद बताएंगे।
जी भाई देख रहे देखा तुम लोगों ने कि भरे दरबार में क्या हो गया है। अब यही हम सब बतलाते रह गया। एक बात हमको ये बताओ, ये वही बात वहाँ सगी महतारी ना आए जैसा उसने किया है ऐसा कोई सगी माँ अपने बेटे के साथ नहीं किया। तुम भी उसी के औलाद हो और तुम बड़े बेटे हो, अधिकार तुम्हारा होना चाहिए, राजा तुमको बनना चाहिए। राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया और वो भी तुझ गुलाम सेनापति के कहने पर। अरे यार सेनापति नौकरी करता है, तनख्वाह लेता है, फ्री में छोड़ो। हमका लागत तुम्हारे अम्मा का सेनापति अब फंसा है। जागे निकालो, भाग तेरी हाथ से शुमार खींच लूंगा। सोचो लंबादार, अगर कोई कदम तुम्हारी माँ सेनापति नहीं उठाती, कोई भी काम करना हो सेनापति से पूछ के करती है। कौनो सिस्टम है तुम्हारे शिवाई? अब ही मेरी बुढ़िया ने बहुत गलत काम किया हो। यह है क्योंकि अमर सिंह के कहने पे अगर नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया हो, अरे सुहमत का सम्राट थे पढ़ा दिया हो और मुझे मंत्री का पद दिया है, हक मेरा है, लेकिन नाहर सिंह को सम्राट बनाकर अच्छा नहीं किया हो। सिवाय नाहर सिंह को सम्राट ने बना दिया है, लेकिन मैं इसे राज करने नहीं दूंगा। ये जौहर सिंह का पारा है, इस राजगति को छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन सिवाय सबसे बड़ा रास्ते का कांटा अमर सिंह है और अमर सिंह के होते हुए हमारा कोई भी काम हासिल नहीं होगा। ये सलाह हमेशा हमारे पैर में चुभता रहेगा, इसे हटा देना बेहतर है। लगाओ खड़ा सारे का कांटा बहलवाई, नहीं लाओ सारे माची लगा के फूंक। शिवाई ऐसे नहीं, वो कांटा नहीं, वो कांटा नहीं है, वो ऐसा कांटा है कि सारा हमेशा हमेशा के लिए चुभता रहेगा। वे शिवाई अमर सिंह को मिटाने के लिए कोई तरकीब निकालो ताकि अमर सिंह मेरे रास्ते से हट जाए। और अमर सिंह हट गया लेकिन नाहर सिंह को मैं मिटाऊंगा। और इस ही नगर का कोई सम्राट होगा कि ये जौहर सिंह बात हमारे समझ के बाहर है। तुम्हारा भाई राजा बन गया है और तुम मंत्री हो गए हो, बचाव हो सकते कह दिया गया। क्या जैसा कि तुम जानते हो कि विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है और तुम आज हम मौके का फायदा उठाते हैं, चलते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास और जसपाल सिंह से मिलकर के इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवा देते हैं और उसी आक्रमण में सेना पर अमर सिंह को मिटा देते हैं। और अमर सिंह मिल गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। कैसे चलो, हम सबसे पहले चलेंगे विजयगढ़ जसपाल सिंह के। हम देखो कि कैसे सही नगर में बगावत की खूब फैलाता हूँ और जब तक कोहराम नहीं बचा दूंगा तब तक मैं चैन की शाह। आओ चलते हैं हम।
जाएगा, चलने की तैयारी करो। रियासत में बगाओ के मुंह फैलाई, मुंह फैलाएगा वो, हम कहे कहा साहब मुंह फैलाएगा। एक बात है साला, खौलियान बहुत जोर है, समझ गए ये साला राजा तो इनका भाई बन गया, लेकिन ये है राज करने नहीं देंगे। लेकिन एक बात समझ लो, ये जितना सोचे सेना पद के रहते हुए कुछ हो नहीं, पक्का सेना पद कमजोर थोड़ो है, ज्यादा अनपन की ना तो सेना पद इनके धरी नदी पर लाश फटफट आई है। और सेना पद क्या छोड़ो यार, उतनी देर में नहीं बोला, अगर दोबारा ये हमारे सामने एक सारे हम जराए दिखाया सारे छुआ रखा पॉइंटिंग तो बर्दाश्त कर लिए, अब दोबारा ये इनका ठौरा हुआ का जरा सिखाया, दोबारा ये अंडमंड की और सेना पद के खिलाफ बात की तो सेना पद का छोड़ो इनके सरों का एक तरफ मेरा दिल जलता है,
और तुम्हें खुशियां मना रहे हो। हराम तो ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश को भूल जाओगे। इस साले किस दिन पैदा हुए हो, इसे चाहर से बगावत, अपनी मौत को दावत। जाओ चलते हैं हम विजय। लेकिन यह बहुत तपा है यह साथ पहुंचे दिन पैदा भाया यह हमको लगा सारा त्योहार का पैदा भाया होली के चूतिया इतवार का कोर्ट कचहरी अदालत तब तक थाना सब बंद रहा बंद रहा। हमका लगा देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा था अब खुला रहा तब तो नहीं कर यही से तपा है। चलो नहीं अगर अब की आ गया ना तो मिलोरी जाए तो अब कल वापसी आ गया तो हम तो वो के चरम कुंडली है रही ना वो हमार तुम्हार मरम कुंडली बनाए हिसाब न सहा है यार सहा है। चलो भाई कहना है अब जाओ।